मिट्टी का तन मस्ती का मन दो क्षण जीवन मेरा परिचय। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी के इन सहज सुंदर शब्दों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, केवल जीवन में एक ही चीज अपरिवर्तनीय है और वो है परिवर्तन। ये विचार जिनके हृदय में समझदारी पूर्वक स्थापित है वे जीवन से कभी निराश नहीं होते। निर्माण और विनाश यह तो प्रकृति के दो अभिन्न अंग है। विनाश अंत नहीं होता और ना ही निर्माण शाश्वत होता है। जीवन सदा परिवर्तनीय होता है, किंतु कई बार हम जीवन में बात समझ नहीं पाते और विनाश से, पराजय से, हार से विचलित हो जाते हैं। हमें प्रकृति से यह सीखना चाहिए, जैसे विनाश के बाद नवनिर्माण है वैसे ही असफलता के बाद सफलता है, पराजय के बाद जय है, हार के बाद जीत है। यही सृष्टि का नियम है। इसी भावना को शब्दांकित किया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। कविता का शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर राती रात आई और काली। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कार फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। हाय तीन को से विनिर्मित घोसलों पर क्या न बीती। हाय तीन को से विनिर्मित घोसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपाता। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निजतान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जो जा रही है। वह सहज ही में पवन उचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर।